हेलो गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे कि विदावी वन इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदे या फिर टीवीएस आईक्यूब, जाने दोनों में किसकी रेंज है बेहतर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले विदावी वन और टीवीएस आईक्यूब की कीमत की बात करें तो विदावी वन दो अलग अलग वेरिएंट विदावी वन प्लस और विदावी वन प्रो में पेश किया गया है, जिसकी कीमत क्रमशः 1.45 लाख रुपए और 1.59 लाख रुपए एक्स शोरूम है। दूसरी ओर टीवीएस आईक्यूब की कीमत स्टैंडर्ड और एस वेरिएंट के लिए क्रमशः 99,130 रुपए 1,04,123 रुपए एक्स शोरूम है। अब इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के फीचर्स की बात करें तो विदा की तरफ से दो वेरिएंट आते हैं, जिनमें विदा वी वन प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर फुल चार्ज में 165 किलोमीटर की रेंज प्रदान करता है। यह सिर्फ 3.2 सेकंड के 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार पकड़ती है। वहीं V1 प्लस की IDC द्वारा दावा की गई रेंज 143 किलोमीटर है और यह 3.4 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। दोनों स्कूटरों की अधिकतम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा बैटरी पैक पोर्टेबल है, इसलिए इसे घर पर निकालकर चार्ज किया जा सकता है। विदा V1 इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको क्रूज कंट्रोल, राइडिंग मोड, कीलेस कंट्रोल, सोसालट, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, फाइंड मी लाइट्स, चारों ओर LED लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। राइडर के लिए 7 इंच TFT स्क्रीन है, जो स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स के साथ आती है। जबकि TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें तो इसे 3 नए वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जिनमें iQube, iQube S और iQube ST शामिल है। iQube का बेस और S मॉडल 100 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज के साथ आता है और इसकी टॉप स्पीड 78 किलोमीटर प्रति घंटे है। बैटरियां भी पहले की तरह IP67 सर्टिफाइड है। iQube के स्टैंडर्ड और S मॉडल में 5 इंच का कलर TFT डिस्प्ले मिलता है, जबकि ST वेरिएंट में 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है। इसे स्मार्टफोन से भी जोड़ा जा सकता है। iQube 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार महज 4.2 सेकंड में पकड़ लेता है। इसमें कई चार्जिंग ऑप्शन हैं, अपनी जरूरत के आधार पर 650 वॉट चार्जर, 950 वॉट चार्जर या 1.5 किलो वॉट चार्जर में से चुन सकते हैं। अब आप लोग इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के बीच कंपैरिजन समझ गए होंगे, तो अब आप इनमें से कोई एक स्कूटर खरीद सकते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।